हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं बनाने वाली हूँ, मेरा एक बहुत ही पुराना ड्रेस है। मतलब ये खरीदते हुए ये ड्रेस को आई थिंक मेरा बहुत टाइम हो गया है। ये स्ट्रैपी नूडल्स ड्रेस है, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रैप है ये मैं ऐसे ओपन यहाँ पे नहीं पहन सकती जहाँ मैं रहती हूँ, और मुझे कंफर्टेबल भी फील नहीं होता है। और स्ट्रिप तो ठीक है, बट इसमें जो ये जो गले की पोर्शन में ये जो फ्रील काइंड ऑफ है, इससे मुझे बहुत नाइटी वाला फील आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कुछ मैं अल्टर करूं, कुछ मैं अपना मॉडिफाई करूं करके मैं नया एक ड्रेस बनाऊं, जबकि इसकी फैब्रिक बहुत ही अच्छा है। तो मैंने इसको बिछा दिया, जबकि ये बिल्कुल मैक्सी ड्रेस है, बिल्कुल लॉन्ग लेंथ तक है। इसको मैंने फ्लोर पे बिछा के फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो स्ट्रैप है उसको मैंने निकाल दिया। स्ट्रैप निकालने के बाद ही आपने देखा होगा ये पूरा मतलब जो भी फ्रिल काइंड ऑफ था ये पूरा खुल गया, ये बहुत ओपन हो गया। इसमें मैंने क्या किया, मेरा पुराना जो कुर्ती है जिसका मेजरमेंट बहुत सही बैठता है मेरे ऊपर, उसको मैंने इसके ऊपर बिठाया, क्योंकि गले का और हाथ का जो पोर्शन है उसको कट करने के लिए। मैं इसको स्लीवलेस बनाने वाली हूँ। मैंने बाकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं किया, क्योंकि मुझे थोड़ा लूज काइंड ऑफ जो मैक्सी ड्रेस होता है ना वैसा कुछ पहनना है, क्योंकि समर में मुझे लूज वूज अच्छा लगता है, और ऐसे भी मैं मोटी हूँ तो लूज पहनती हूँ तो मेरा टमी छुप जाता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा लूज काइंड ऑफ अच्छा आजकल ट्रेंड में भी है ओवरसाइज्ड वाला, तो वो ड्रेस बनाना है। इसके लिए ये लेस जो आप देख रहे हो ये मैंने मीशो से ख़रीदा था, ये बहुत ही सस्ते में मुझे मिल गया था, 171 रुपीज़ का मुझे कुछ 9 मीटर्स मिला था। उसको मैंने कुर्तीज़ पे भी लगाया, और बचा कुचा जो लेस था उसके पास मैंने जो मेरा थोड़ा सा नेट काइंड ऑफ था उसको ऐड करके मैंने ये गले का डिज़ाइन बनाया, ताकि ये लेस थोड़ा सा मोटा हो गया जब मैंने इसमें नेट को अटैच किया, नेट का फ्रिल देके अटैच किया। और ये कुछ कुछ फ्लावर्स मैंने बनाया, और ये फ्लावर्स भी मैंने वो लेस से ही बनाया। बहुत ही इजी है गाइस, आप लोग भी बना सकते हो ऐसा, उतना सा पोर्शन आपको कट कर लेना है, उसके बाद इसका जो खुला हुआ ये है ना लेस का उसको आपको सिलाई देके इसको बंद कर लेना है, नहीं तो ये निकल जाएगा। इसको बंद करने के बाद इसको बहुत अच्छे से ऐसे ऐसे स्टिच करके ये रस्सी जब आप ये धागा जो खींच दोगे ना तो आपका फ्लावर बहुत ही ईजी आराम से बन जाएगा। ये बहुत ईजी पीजी है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ये सारी चीज़ें करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए कितनी आराम से बाद में जो एंड है उसको मैंने इसमें ऐसे थोड़ा सा स्टिच कर दिया ताकि ये खुले ना, तो ये बहुत आराम से आपका ना फ्लावर बन जाता है, और ये अच्छा भी दिखता है। आप अगर इसका एंड फिनिशिंग अच्छे से करो तो ये बहुत अच्छे से बन जाता है। इसके बाद मेरा ये रेडी हो गया है ड्रेस, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जस्ट मिनट। ये सारी फ्लावर जो है ये मैं अपने चेस्ट पोर्शन में लगाने वाली हूँ, जो कि डिज़ाइन मैंने कहीं पे देखा हुआ था, तो ये बहुत इजीली मैंने बना दिया। देखिए मेरा कैसा पुराना स्ट्रैपी ड्रेस था जिसको मैं पहन भी नहीं सकती हूँ, और ये कितना क्यूट सा ड्रेस बन गया। इसको मैंने थोड़ा लूज मूज ही रहने दिया, आप लोग चाहो तो इसको टाइट भी कर सकते हो, मैंने लूज ही रखा। और देखिए ये फ्लावर भी कितना अच्छा लग रहा है, कोई नहीं बोलेंगे ये आपने घर पर ऐसे जुगाड़ लगा के बनाया हुआ है। तो बन गया है ये मेरा ड्रेस, ये पूरा डिज़ाइन जो है ये मैंने देखा था नेट पे, तो इसको ही कॉपी पॉपी करके मैंने कुछ कुछ करके अपना भी तड़का लगा के मैंने बना दिया है। ये समर रेडी ड्रेस मेरा मैक्सी ड्रेस रेडी हो गया। इसको मैंने पहन के नहीं दिखाया क्योंकि मेकअप वेकअप करने का गर्मी में मुझे मन नहीं कर रहा था। नेक्स्ट टाइम पहनूंगी तो मैं शॉर्ट्स में ज़रूर से डालूंगी। कैसा लगा ये मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा चैनल जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट।